ये अच्छे से मिला लिया इन्होंने, देखिए। इसको आप हाफ बॉईल करेंगे, इसको हाफ बॉईल करके फिर वहाँ लगाएंगे। ये कुछ ग्राहक आए थे, इन्होंने टिक्का कबाब ऑर्डर किया था, ये जो है पक्के तैयार है, पूरी तरह से एकदम रेड रेड हो गया और जो मसाले थे हल्के कालेपन आ गए। इसमें आपने क्या क्या मिलाया? इसमें अभी चाट मसाला डाला। ये चाट मसाला डाल के उसको अच्छे से मिला रहे ले रहे हैं। चाट मसाला डालने के बाद इसमें नींबू डालेंगे। नींबू डालने के बाद फिर से एक बार इन्होंने हल्के से मिलाया। चटनी का, ये चटनी का पेस्ट है, ये स्पेशल चटनी है क्या? और क्या बोले? पुदीना धनिया लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, पुदीना धनिया अदरक लहसुन का जो है पेस्ट इस पे लगाएंगे, उसका सबको अच्छे से मिला लेंगे। सब कुछ मिक्स कर दिया, ये बनके तैयार हो गया। ये बटर डाल रहा हूँ। अच्छा, ऊपर से आप बटर डाल रहे हैं। ठंड का मौसम है और इस मौसम में गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही कुछ और है। उसमें भी यदि आपको यदि कबाब मिल जाते हैं, वो भी शाम के समय नदी के किनारे में, तो इसका मज़ा दोगुना हो जाता है। अभी हम पटना के महावीर घाट पे हैं, जहाँ पे एक छोटी सी आपको कबाब की स्टॉल दिख रही होगी। देखने में तो ये छोटी सी स्टॉल है, लेकिन यहाँ आपको कई तरह के कबाब टंगे हुए दिख रहे होंगे, जिसमें आपको मलाई कबाब है, टिक्का कबाब है, विंग्स कबाब है। इधर आपको चिकन लेग कबाब देखने को मिल रहा है, और ये इन्होंने इसके बारे में बताया था कि स्पेशल ये कीमा कबाब है। तो ये किस चीज़ का कीमा? चिकन में किस पार्ट का कीमा बनता है? बोनलेस। ये सिकरी है और इसी पे सीख में लगा के कबाब को सेका जाता है। इधर उन्होंने बटर को रखा है और देखिए इसमें से किस तरह से लपटे निकल रही हैं। चिकन के कई सारे पीसेस हैं जिनका कबाब बनाया जाएगा, और इसमें से इन्होंने निकाल के इसमें रखा है टब में, और इसको मैरिनेट करेंगे। इसमें क्या क्या मिलाइएगा आप? इसमें हमारा लहसुन सारा मतलब मसाला का पेस्ट बना हुआ होता है जी, थोड़ा सा एक बार बता दे। ये सारा मसाला मिक्स है इस पेस्ट में? हाँ। क्या क्या मिक्स है? गरम मसाला है, जीरा, लौंग है। गरम मसाला है, जीरा है और लौंग है, काली मिर्च है। काली मिर्च है और रेड कलर का जो रेड जो हो गया, ये लाल टाइप का दिख रहा है। इसमें थोड़ा कलर डाला है लाल, हल्का कलर, ताकि वो लाल हो जाए। देखिए किस तरह से इसको मिला रहे हैं, रेडनेस आ जाएगा और इसमें इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद जब ये पक जाएगा, कितने देर में पक जाता है? वैसे भी लगाए तो 10-15 मिनट में है, तो फिर हाफ बॉईल करा हुआ रहता है। अच्छा, ये हाफ बॉईल किया हुआ है? नहीं, हाफ अभी तो कच्चे दिखाए मैंने आपको ना। अच्छा, अभी कच्चा ही है, अभी हाफ बॉईल करके वहाँ लटकाएंगे सामने। अच्छा, हाफ बॉईल करके वहाँ लटकाएंगे, फिर हाफ बॉईल कोई कस्टमर आएगा तो उसके बाद हाफ बॉईल के लिए यहाँ पे दे दिया जाएगा। अच्छा, वही हाफ बॉईल को वहाँ हाफ बॉईल रहेगा, फिर उसको फिर से ये करके पूरा अच्छी तरीका से सीख जाएगा, उसके बाद कस्टमर को दे दिया जाएगा। अच्छा, ये अच्छे से मिला लिया इन्होंने, देखिए। इसको आप हाफ बॉईल करेंगे? इसको हाफ बॉईल करके फिर वहाँ लगाएंगे, वहाँ उसमें जो सीख में टांग देंगे। हाँ, सीख में लटकाएंगे। हाँ, जब कस्टमर आएंगे तो फिर उसको वहाँ पे आप पका के जो है सिकरी पे पका के देंगे आप। सीख में किस तरह से जो है चिकन को लगाया जा रहा है, जिन्हें कबाब बनाया जाएगा। अब उसको वहाँ पे लटका दिया गया। दोनों सीख अलग अलग टाइप का है ना आपका? लेग का। अच्छा, लेग है वो विंग्स के लिए अलग पतला वाला, और ये लेग के लिए देखिए ये एकदम चौला सा है, ताकि वो फटे नहीं है।
देखिए ऑर्डर आया है, ये देखिए फिर ऑर्डर आया है और लेग कबाब का जो इन्होंने 45 रुपए के हिसाब से बताया था, 90 रुपए का दो लेग कबाब है यहाँ का और इसको पकाया जा रहा है। कबाब का काम आप कब से कर रहे हैं? 6 साल से कबाब बना रहे हैं, सब तरह के कबाब। इसके अलावा भी कोई स्पेशल कबाब होते हैं क्या? हाँ, स्पेशल कबाब होते हैं, जैसे कि लजीज कबाब होता है, प्यारे कबाब होता है, टिक्का। लजीज कबाब, प्यारे कबाब, टिक्का, हरियाली टिक्का होता है। हरियाली टिक्का जी। तो रहने वाले कहाँ के हैं आप? रहने वाले हम कटिहार के। कटिहार के, यानी बिहार के ही रहने वाले हैं। और सीखा कहाँ से बनाना है? देखते आपने बोला कि देखते देखते सीख गए। दिल्ली से हम काम करते थे, देख देख के सीख। अच्छा, काम करते थे, ये खाने वाले में, खाना वाला सेक्शन में, होटल में काम करते थे, देखते देखते सीख गए। दुकान कितनी पुरानी है? हाँ, 4 महीना अभी नया खोला। अच्छा, दुकान का नाम क्या रखा है आपने? कबाब काउंटर। कबाब काउंटर। अभी हालांकि बोर्ड बैनर तैयार नहीं हुआ, जल्दी लग जाएगा। आप इनका चेहरा देख लीजिए और ये जो कारीगर हैं, इन्हीं की दुकान है। और सामने उधर पिलर दिख रहा है, पिलर के अपोजिट साइड में रोड के एकदम सटे हुए इनकी दुकान है। 170 का चार है और आप दो पीस लेते हैं तो 90 का पड़ेगा आपको, वो लेग कबाब के लिए। अदर एक बार आप अपने मुंह से बता दिए सारे कबाब का रेट क्या क्या है यहाँ पे। बिंग्स का क्या रेट है? बिंग्स का 120 रुपये का है 4 पीस जी। लेग कबाब है 170 रुपये में 4 पीस, 2 पीस 90 का है जी। टिक्का कबाब है 90 रुपये का 5 पीस, एक सीख आएंगे जी। मलाई कबाब है 90 रुपये का 5 पीस, एक सीख आएंगे। प्यारे लजीज है 150 रुपये का एक सीख, उसमें 5 पीस रहेगा जी। चिकन कबाब है, मतलब प्यारे कबाब है 60 रुपये का, 2 पीस आएंगे उसमें जी। चिकन प्यारे रोल है जी 80 रुपये का, उसमें 1 पीस आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ये जो आप सीख में चिकन के लेग पीसेस देख रहे हैं लगे हुए हैं, जो उसको है सिकरी जिस पे पकाया जा रहा है, वो हल्का हल्का पका के उसको अभी रख लिया जाता है, पूरी तरह से उसको नहीं पकाया जाता है। जिनको इन्होंने बोला कि हल्का बॉयल कर लेते हैं, इसका मतलब इनके कहने का मतलब था कि हल्का हल्का पका लेते हैं और उसको टांग देते हैं। जब कस्टमर आते हैं तो फिर से उसको गर्म करके और पूरी तरह से पका के दिया जाता है। हल्का पका होता है पहले से और कस्टमर आने के बाद फिर से उसको पकाया जाता है ताकि जल्दी पक जाता है और गर्मा गर्म खाने में अच्छा लगता है। लगा दे, रुको खाली थोड़ा। पटपट पटपट कर रहा है एकदम। देखिए ये वाला जो है आपका टिक्का कबाब, ये पहले से हाफ गरम किया हुआ था और कस्टमर ने अभी ऑर्डर किया है तो करीब 2 मिनट में ये पक के तैयार हो गया है। इसे फिर से थोड़ा सेक लिया गया, गरम कर लिया गया, पक गया है। देखिए यही है कबाब काउंटर। अभी तो बोर्ड नहीं बना है लेकिन बोल रहे थे बहुत जल्दी बोर्ड बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप आराम से आ सकते हैं। लोकेशन है इधर, आप बदर घाट की तरफ से अगर आएंगे तो करीब 150-200 मीटर आपको आगे बढ़ने पर ये दुकान बाएं साइड में दिख जाएगी। देखिए ये कीमा कबाब है, स्पेशल कीमा कबाब है जिसको सीख में लगाया जा रहा था। हाफ गरम करके ये आपको लेग कबाब यहाँ टांग दिया गया। ग्राहक के आने के बाद जब वो ऑर्डर करेंगे तो इसको तुरंत गरम करके फिर से इसमें जो हल्का कच्चापन है वो दूर हो जाएगा और ग्राहक को उसको तैयार हो गया। ये कुछ ग्राहक आए थे, इन्होंने टिक्का कबाब ऑर्डर किया था, ये जो है पक के तैयार है, पूरी तरह से एकदम रेड रेड हो गया और जो मसाले थे हल्के कालेपन आ गए। इसमें आपने क्या क्या मिलाया? इसमें अभी चाट मसाला डाला। ये चाट मसाला डाल के उसको अच्छे से मिला रहे ले रहे हैं। चाट मसाला डालने के बाद इसमें नींबू डालेंगे। नींबू डालने के बाद फिर से एक बार इन्होंने हल्के से मिलाया
ये चटनी का पेस्ट है, ये स्पेशल चटनी है। क्या क्या मिलाया है आपने इसमें? इसमें धनिया है, पुदीना है, लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्चें हैं, खटाई है, अमचिल है, सब डाला हुआ है। नमक वगैरह भी है? नमक वगैरह भी है। नमक में कौन सा नमक, काला नमक या सादा सफ़ेद वाला नमक? टाटा नमक है और काला नमक दोनों मिक्स है। अच्छा, सफ़ेद नमक और काला नमक दोनों मिक्स करके बनाते हैं, स्पेशल खुद से बनाते हैं। ये बटर लग रहा है ऊपर से, ये ऊपर से देखिए बटर लग रहा है, और बटर लगने के बाद एक बार फिर से उसको मिला लिया गया है, और ये अब प्लेट में सजाया जा रहा है कस्टमर को। ये चटनी अलग से भी दी जा रही है आपको, जो स्पेशल चटनी है कबाब काउंटर की, ये अलग से भी दी जा रही है, साथ में प्याज है। और ये चलिए देखिए बच्चे को दिया जा रहा है। और तो गांव से आते थे तो हम लोगों को उतना कबाब के बारे में जानकारी नहीं था, बहुत सारे डिशेस के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन देखिए आज जो आधुनिक दौर में बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी है कि हमारे बीच क्या क्या खाने की चीज़ें हैं। बच्चे हमारे आधुनिक हैं और ये अच्छी बात है, दोनों बच्चे एकदम स्वीट हैं और अपनी ही प्यारे मासूमियत के साथ चिकन टिक्का कबाब का लुत्फ़ उठा रहे हैं। बिट्टू नाम है, कहाँ से आए हैं? मामा के साथ आए हैं चिकन टिक्का कबाब खाने। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है? मामा खिला रहे हैं, मामा बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, मामा बहुत प्यार करते हैं, नहीं खिलाएंगे तो फिर मामी से शिकायत कर दी जाएगी आपकी। मामी है कि नहीं है? है, नहीं खिलाएंगे तो फिर मामी से शिकायत कर दीजिएगा ना। आपको कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? शिवानी। देखिए शिवानी है, छोटी सी बच्ची कबाब खा रही है, कबाब का टेस्ट अच्छा लगा। बच्चों को लेके आए हैं कबाब खिलाने के लिए और खुद नहीं खा रहे हैं। आप नहीं खा रहे हैं? आप नहीं खाते हैं क्या? नहीं, चिकन नहीं खाते। अच्छा, आप चिकन नहीं खाते लेकिन बच्चों की डिमांड पे उनको खिलाने के लिए ले आए। अच्छा, निक्कू जी हैं, आरा के रहने वाले हैं, आप घूमने आए हैं या फिर रहते हुए? दीदी के घर आए। अच्छा, दीदी का घर यहीं आसपास है। अच्छा, शादी आपकी हो गई है? अच्छा, शादी नहीं हुई है। चलिए बच्चों को घुमा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और पटना कैसा लग रहा है आपको? पटना बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो आपको मरीन ड्राइव जैसी फीलिंग आ रही है कि नहीं? एकदम मरीन ड्राइव जैसे लग रहा है कि जो मुंबई का मिनी जुहू बीच है यहाँ पे चलाया चलाया। एक बार लोकेशन आपको दिखा देते हैं शाम का, देखिए कितनी चहल पहल यहाँ बढ़ गई है। और ये इधर नदी का किनारा है, ठंड का मौसम है, उधर आप गांधी सेतु ब्रिज देख सकते हैं।